आज तुम्हें भगवान कृष्ण की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ यशोमती के नंदन की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भगवान कृष्ण की महिमा की एक झलक दिखाते हैं, पावन झलक दिखाते हैं। माँ यशोमती के नंदन की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब पाप बढ़ा पृथ्वी पर तब अवतार लिया, साधु संत महात्माओं को भव से पार किया। दुष्ट कंस के भय से दुखी हैं हम अंतर्यामी, रक्षा करो हे पतित पाप ना घट घट के स्वामी। यह सुनकर विष्णु जी का सिंहासन डोल उठा, मत घबराओ देवगणो मन एकदम बोल उठा। घड़ा पाप का भर ही गया अब एक दिन फूटेगा, अहंकारी का अहंकार अब एक दिन टूटेगा। सुनकर ऐसे वचन देवगण शीश झुकाते हैं, वसुदेव का ब्याह देव किस होने वाला है। बड़े प्यार से कंस ने देव की रथ में बैठाई, तभी रास्ते में आकाश से ये आवाज आई। देव की का जो पुत्र आठवां काल बने तेरा, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे सत्य वचन मेरा। सुनकर यह आवाज क्रोध की भभक उठी ज्वाला, थर 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 देव की कांपे पड़ा विकट पाला। गुस्से में आकर कंस तलवार उठाते हैं, फिर लगा दिए ताले। चौकीदार तैनात किए देकर बरछी भाले, देव के हर बच्चे को कंस मार गिराता था। जालिम ऐसा कर कर के मन में हर्षाता था, लीलाधार की लीला कोई समझ नहीं पाए। दर्शन दिए हरि ने जेल में और दिए समझाए, बोले मुझको गोकुल नगरी पहुंचाना होगा, मेरे बदले नंद सुता को यहाँ लाना होगा। वसुदेव और देव की सुन के खुशी मनाते हैं, जी।
चमक बिजुरिया थर थर कांपेगा। मन विचलित हो गया कंस का बिगड़ रहे हाला। विचित्र हर की माया जग में खेल निराले है। एकदम खुल गई पांव की बेड़ी खुल गए ताले हैं। खूनी हाथी सो गए और सो गए सब पहरेदार। भादों की अष्टमी को जन्मे थे श्री कृष्ण मुरार। बोली देव की वसुदेव से अब गोकुल जाओ। गोकुल जाकर नंद की कन्या यहाँ पर ले आओ। जैसे तैसे वसुदेव यमुना पर आते हैं। दर्शन करके आज मैं मन में खुशी मनाऊंगी। छूकर चरण आज मैं बिगड़े भाग्य बनाऊंगी। शेष नाग ने छत्र बनाकर धर्म निभाया है। उमड़ घुमड़ कर इंद्रदेव ने जल बरसाया है। नमो नमो हे यमुना मैया विनती सुन लो माँ। गोकुल नगरी जाना हमको रास्ता दे दो माँ। इतना जल प्रवाह देख मन में घबराते हैं। साथ जेल में वापिस आ पहुंचे।
रोने लगी जब जोर से कन्या अकस्मात भारी। जाग गए सब पहरेदार तेरी लीला है न्यारी। अब की बार है कन्या जन्मी जा बतलाते हैं। पापी आया है गोदी में से छीन ली कन्या और गुर्राया है। अहंकार ने उस कन्या को जो सिल पर पटका एकदम छूट गई हाथों से दे करके झटका। बोली गोकुल पहुंच गया तुझे मारने वाला तो साधु संत महात्माओं को तारने वाला तो। तुरंत प्रलंबा जैसे कई राक्षस बुलवाए हैं क्रोध में आकर दुष्ट कंस ने वचन सुनाए हैं। आज्ञा धारण करके राक्षस गोकुल जाते हैं। गली गली में खोजते फिरते कहाँ है अब तारी। त्राही त्राही मच गोकुल में शोर हुआ भारी। छोटे छोटे बच्चे जाने कितने ही मार दिए कंस के कहने से गोकुल में अत्याचार किए। फिर भी श्री कृष्ण को दानव ढूंढ न पाए हैं खाली हाथों आज राक्षस मथुरा आए हैं। क्रोध में आकर फिर पूतना कंस ने बुलवाई करके काम तमाम आऊंगी मन में हर्षाई। सुनकर वचन कंस मूछ पर ताव लगाते हैं। जहर लगाया था श्री कृष्ण यह देख देख मन में हर्षाया था। पीने लगे प्राण हरि की माया भक्तों है न्यारी। जोर जोर से लगी कांपने पूतना प्यारी। पृथ्वी पर गिर पड़ी एकदम शोर हुआ भारी। काँप गया आकाश डोल उठी पृथ्वी बेचारी। राक्षस विशाल ये नन्हा सा कृष्ण मुरारी है। यशोमती बोली ये पूतना कितनी भारी है। खबर पड़ी तो कंस सहायता को चिल्लाते हैं।
बलराम कृष्ण ने माटी खाई है। ऐसी बातें सुन के यशोदा दौड़ी आई है। माँ के कहने से मुँह अपना खोल दिखाया है। मुँह के अंदर यशुमती को ब्रह्मांड दिखाया है। ग्वालों के संग धेनु चराते वन में जाते थे। कृष्ण किया है मोल दाऊ जी बहुत खिजाते थे। मात यशोदा तो गौरी तेरा रंग तो काला है। और चोरी से माखन सबका खाने वाला है। ऐसी बातें करके दाऊ खूब चिढ़ाते हैं। से बांध दिए यशुमती बोली अरे कृष्ण हमको परेशान किए। यमुना अर्जुन यह देख कर खुश हुए भारी। सुध बुध आज हमारी लेंगे विष्णु अवतारी। उखल अटका कर दोनों पेड़ों को तोड़ दिया। युगों युगों से टूटा बंधन पल में जोड़ दिया। पेड़ों की आवाज सुनी तो यशुमती माँ आई। कहीं चोट तो नहीं लगे यूं कह के घबराई। कैसी कैसी माया यशुमती को दिखलाते हैं। को आते हैं विचित्र हर की माया को वो समझ न पाते हैं। बोले ये अवतार नहीं ये साधारण ग्वाला। इससे देवताओं का कार्य नहीं होने वाला। ग्वालों और बछड़ों को लेकर स्वर्ग लोक आए। देख के लीला ब्रह्मा की माधव जी मुस्काए। वही रंग वही रूप के ग्वाला हरी बनाते हैं। उनके संग गोवर्धन गिर पे गाय चराते हैं। प्रजापति दर्शन करने फिर गोकुल आते हैं। नहीं जिंदे आओगे
काली देह में कूद पड़े फिर यह कहकर भगवान, काली नाग का आज करूँगा चूर चूर अभिमान। नागनाथ कर नाग नथैया वो कहलाते हैं, कथा सुनाते हैं माँ यशोमती के नंदन की, हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं भगवान कृष्ण की महिमा की, एक झलक दिखाते हैं पावन झलक दिखाते हैं माँ यशोमती के नंदन की, हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
जल में गोवर्धन की जय जयकार हुई। नहीं पेश अब चले तेरी तेरी तो हार हुई। एक रूप से श्री कृष्ण जी भोग लगाते हैं, दूजे रूप से प्रकट हुए और भोग लगाते हैं। यह सुन करके इंद्रदेव ने कोप किया भारी, त्राही त्राही मच ब्रज मंडल दुखित नर नारी। इंद्रदेव नाराज हुए अब कौन बचाएगा, मूसलाधार बारिश में ब्रज मंडल बह जाएगा। श्री कृष्ण गोवर्धन का फिर छत्र बनाते हैं। शीघ्र से शीघ्र चले आओ। सात दिनों तक राजा इंद्र ने जल बरसाया था, श्री कृष्ण का बाल विवाह का नहीं कर पाया था। अद्भुत लीला देख इंद्र पृथ्वी पर आए हैं, श्री कृष्ण के चरण कमल में शीश झुकाए हैं। बोले पृथ्वी पति पृथ्वी का भार उतारोगे, दुष्ट कंस को एक दिन तुम ही तो संहारोगे। सात कोस की परिक्रमा नर नार लगाते हैं। चाहते थे कभी गधे घोड़े बगुले का रूप बनाते थे। श्री कृष्ण के हाथों मर के मोक्ष को पाते थे, नारद जी ये हाल कंस को फिर बतलाते थे। अरिष्टासुर प्रलंबासुर पल भर में ही मार दिया, पूतना क्या बकासुर जैसा भी तो संहार दिया। काली नाग जी नाथ दिया है उन्होंने तो भैया, दीनहीन की रक्षा करता कृष्ण कन्हैया। कृष्ण नहीं छोड़ेंगे तुमको सत्य बताते हैं। पकड़ पकड़ कर देख मोड़ते हैं।
सभी गोपियां झूठ मूठ से डांट लगाती हैं, मात यशोदा से कह करके हंसी उड़ाती हैं। ये मन मस्त गुजरियां हैं माँ को बतलाते हैं,
जब जब इस पृथ्वी पर जिसने अत्याचार किया, तब तब रूप धरा विष्णु ने ही अवतार लिया। आज कंस को मार भूमि का भार उतारा है, यशमति नंदन असुर निकंदन सबसे प्यारा है। अजब अलौकिक माया है नीलांबर धारी की, यदु श्रेष्ठ श्री कृष्ण दामोदर कुंज बिहारी की। कहने लगे कृष्ण उधो से तुम गोकुल को जाओ, विरह में व्याकुल हुई गोपियां जाकर समझाओ। सुनकर उधो आज गोपियों को समझाते हैं, सूदन की उधो कर ले ध्यान। निराकार ओंकार की बातें समझ न आती है, मनमोहन की याद हमें तो बहुत सताती है। बतलाओ मनमोहन कब मथुरा से आएंगे, हे उधो वे कब मुरली की तान सुनाएंगे। तरस रही है गोपी तुम बिन जाकर कह देना, ज्ञान ब्यान वैराग से उनको कुछ भी नहीं लेना। एक बोलिए उधो तो हमको बहकाते हैं, वशीभूत यशुमति नंदन नंदलाला है। हमें मिला दो बस मोहन से कर दो ये एहसान, कह देना है उधो उनसे बड़े दुखते हैं प्राण। मथुरा आकर गोपियों का संवाद सुनाते हैं, भी मथुरा में आकर के गुर्राया। एक ओर से मथुरा को जरासंध ने घेर लिया, दूजी ओर से काल यवन ने आकर बैर किया। लगे सोचने कृष्ण कन्हैया आफत आएगी, काल यवन से यादव सेना घबरा जाएगी।
यही सोच कर पूरी द्वारिका का निर्माण किया। मथुरा निवासियों के साथ उसने प्रस्थान किया। काल यवन को मुचुकुंद द्वारा भस्म कराते हैं। जरासंध शिशुपाल मार रुक्मणि को ब्याहते हैं। मित्र सुदामा के तंदुल बड़े प्रेम सिखाते हैं। चीर हरण करके गोपियों को समझाते हैं। वरुण देव रहते जल में नहीं नग्न नहाते हैं। रूप अनेकों बना बना कर रास रचाते हैं। बैठ कदम्ब की डाल पे मुरली मधुर सुनाते हैं। ब्रह्मा रुद्र इंद्र शंकर ध्यान लगाते हैं। वर्णन राधे श्याम करे क्या पार न पाते हैं। कृष्ण नाम की महिमा लिख कर लाभ उठाते हैं।